क्या होता है, व्हेनेवर वी रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, देन बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू सम सूटेबल पावर्स और एक्सपोनेंट, सो दोज सूटेबल पावर और एक्सपोनेंट्स आर नोन एज डायमेंशन। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, एक्सप्रेशन विच रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी, so that expression is called dimension formula. And dimension equation, when we represent the dimension formula, when we equate the dimension formula of a physical quantity with the physical quantity, that equation is called dimension equation. ठीक है, तो हम कुछ फिजिकल क्वांटिटी, अभी मैं जो डायमेंशन फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, इन सारी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूला आपको लर्न करने रहेंगे। इसलिए लर्न कर रहे हैं क्योंकि हम जो डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे इसके बाद, वो एप्लीकेशंस डायरेक्टली इन्हीं एप्लीकेशन पर बेस्ड है, सॉरी इन्हीं डायमेंशन फॉर्मूला पर बेस्ड है, तो वो फॉर्मूला आपको बाय हार्ट लर्न करने रहे। ठीक है, तो हमने जो डेराइव फिजिकल क्वांटिटीज डिस्कस करी थी, सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी, then its formula, its unit and dimension, आप सब लोगों ने टेक्स्ट बुक्स आप लोगों के पास आ गया है या अभी नहीं आया है? जिन लोगों के पास नहीं है, इन लोगों के पास है, आप देखिएगा कि आपकी जो फर्स्ट पार्ट है फिजिक्स का, उसके लास्ट के दो तीन पेजेस में कुछ आपको 70-80 फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन फॉर्मूला दे रखी है, आप पीछे देखेंगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, तो मैं आज कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें से ही। ठीक है, तो अराउंड अराउंड 20-30 के आसपास फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूला हम लर्न करेंगे, तो आगे हमें डायमेंशनल एनालिसिस में यूज आएंगे, तो वो आपको अभी इस स्टेज पर इतना अभी लर्न करना है। तो देखिए, सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी एरिया, यूनिट होगा लेंथ, फॉर्मूला होगा लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर। अब मीटर एक तरीके से लेंथ होती है और लेंथ इनटू लेंथ मीटर स्क्वायर हो गया, तो एम जीरो, इसको जब बेस क्वांटिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा तो एम जीरो एल टू टी जीरो, ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। ये डायमेंशन फॉर्मूला डाइम यस हाँ जी बोलिए, हाँ, मैं वही कर रहा हूँ एक बार डिस्कनेक्ट होके सारे कनेक्ट होते हैं वापस से। अभी कैसा है विजिबिलिटी मेरा? अभी विजिबिलिटी कैसा है? नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी देखिए, वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला एल इंटू बी इंटू एच, यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब, एम एच फॉर्मूला एम जीरो एल थ्री टी जीरो। डायमेंशन फॉर्मूला पे हमें मेन फोकस करना है, यूनिट के बेसिस पे आप डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हैं। देखिए यहाँ एम जीरो क्यों लिखा, क्योंकि मास का कोई टर्म नहीं है,
लेंथ की एल क्यूब, क्योंकि मीटर क्यूब है इसलिए डायमेंशन ऑफ लेंथ क्या हो जाएगी 3 और टाइम टी 0, टाइम की डायमेंशन भी 0। नेक्स्ट थर्ड देखिए, हेलो बेटा, बस जो नेक्स्ट बेसिकली मैंने अभी डायमेंशन फॉर्मूला ही डिस्कस किया, दो फिजिकल क्वांटिटी। लास्ट क्लास में हमने जो डायमेंशन डायमेंशनल फॉर्मूला, और हाँ मेरा आवाज नहीं आ रहा है, हाँ तो डायमेंशन फॉर्मूला हम डिस्कस कर रहे हैं, वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं। पहले मैंने डायमेंशन फॉर्मूला बताया है एरिया का, सेकेंड है वॉल्यूम। तो देखिए एरिया है, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा एम जीरो एल टू टी जीरो। और सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी है वॉल्यूम, तो इसका यूनिट है मीटर क्यूब, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला है एम जीरो एल थ्री टी जीरो। एम जीरो क्यों हुआ, मास का एक्सप्रेशन कहाँ है? हेलो आपका आवाज नहीं आ रहा बराबर। नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास पर, डेंसिटी है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसका यूनिट क्या हुआ केजी पर मीटर क्यूब, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा केजी है तो एम वन एल माइनस थ्री टी जीरो। देखिए केजी है तो मास की डायमेंशन हो जाएगी वन, मीटर क्यूब है तो लेंथ की डायमेंशन हो जाएगी माइनस थ्री। माइनस थ्री क्यों होगी, क्योंकि मीटर क्यूब डिनोमिनेटर में, लेंथ टी जीरो। समझ में आया ये पॉइंट? एनीवन, इज देयर एनी डाउट? मोहम्मद, भैरिया। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो ये एक तरीके से लेंथ होती है, तो मीटर, इसके डायमेंशन एम जीरो एल वन टी जीरो, एम जीरो एल वन टी जीरो। ठीक है, फिर आता है स्पीड और वेलोसिटी। तो देखिए स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। देखिए फॉर्मूला स्पीड का होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा, सॉरी वेलोसिटी का हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दोनों का यूनिट क्या रहेगा, मीटर पर सेकेंड। मीटर लेंथ है और सेकेंड जो है वो टाइम का यूनिट है, ये हो जाएगा एम जीरो एल वन टी माइनस वन। एम जीरो क्योंकि मास का कोई भी टर्म नहीं आ रहा है यहाँ पर, एम जीरो एल वन टी माइनस वन। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का यूनिट, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वी माइनस यू अपॉन टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा एम जीरो एल वन टी माइनस टू, सेकंड स्क्वायर है ना डिनोमिनेटर में, तो टी टू द पावर माइनस टू। फिर आता है फोर्स, एफ एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, इसका यूनिट है देखिए के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या है के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा एम वन एल वन टी माइनस टू, के जी है तो एम वन, मीटर है तो एल वन टी टू पावर माइनस टू। देखिए यूनिट याद होगा फिजिकल क्वांटिटी का, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला आप इजीली लिख सकते हैं। नेक्स्ट है मोमेंटम, पी इज इक्वल्स टू एम वी, तो ये होता है के जी इंटू मीटर पर सेकेंड, हो गया एम वन एल वन टी माइनस। फिर आया वर्क और एनर्जी, तो
दोनों का इनवर्स सेम होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसका यूनिट तो जूल होता है, लेकिन ऐसा इसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में लिखे तो के जी इंटू मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि देखिए फोर्स का होता है के जी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम वन एन टू टी माइनस टू। तो जितने भी टाइप की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, कोई भी टाइप का एनर्जी है, उसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा एम वन एन माइनस टू टी माइनस टू, एम वन एन टू टी माइनस टू। इज इट क्लियर, इज देयर एनी डाउट? ठीक है, नेक्स्ट है, पावर। पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। इसका यूनिट क्या हुआ? पर सेकेंड। ठीक है, तो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आया था? वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला था एम वन एल टू टी माइनस टू, उसमें टी वन से डिवाइड। इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा एम वन एल टू टी माइनस टू। पावर का क्या हो जाएगा? एम वन एल टू टी माइनस थ्री। नेक्स्ट है प्रेशर। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, पी इक्वल्स टू एफ बाय के। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला है एम वन एल वन टी माइनस टू डिवाइड बाय एल टू। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू, एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू। नेक्स्ट आता है आपका सरफेस टेंशन, दैट इज टी, दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला एम वन एल वन टी माइनस टू अपॉन एल वन। तो ये एल वन से ये एल वन कैंसिल हो गया, डायमेंशन फॉर्मूला आया एम वन एल जीरो टी माइनस टू, एम वन एल जीरो टी माइनस टू। समझ में आया? इज देयर एनी डाउट इन दिस पार्ट? नेक्स्ट देखिए, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के लिए हमने बताया था, टाइम पीरियड के लिए यूनिट सेकेंड है, तो इसका हो जाएगा एम जीरो एल जीरो टी वन। फिर आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता है वन बाय टाइम पीरियड, इसका यूनिट होता है सेकेंड इनवर्स, तो एम जीरो एल जीरो टी माइनस टू। फिर आता है प्लेन एंगल। ये आपकी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है, तो प्लेन एंगल के लिए मैं क्या बोला था, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, लेंथ ऑफ आर अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल। तो देखिए ये इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट रेडियन है, लेकिन हमने क्या बोला था कि ये सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि ये डायमेंशन लेस है। क्योंकि देखिए ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, तो एल वन और एल वन कैंसिल हो जाएगा, तो ये डायमेंशन लेस है, एम जीरो एल जीरो टी जीरो। सो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच आर डायमेंशन लेस, जिसका मास, लेंथ और टाइम तीनों की डायमेंशन क्या आ रही है, जीरो आ रही है। दैट्स व्हाई इट इज अ डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी, and its dimensional formula is m0 l0 t0. So that's why it is a supplementary physical quantity. अब definition समझ में आया supplementary physical quantity का?
है। नेक्स्ट हमारा क्वांटिटी है सॉलिड एंगल, डी ओमेगा इक्वल्स टू डी ए बाय आर स्क्वायर। तो देखिए ये मीटर स्क्वायर है, सरफेस एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय आर का स्क्वायर, आर रेडियस है या डिस्टेंस है उसका भी स्क्वायर क्या होगा मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट तो स्टे रेडियन है लेकिन ये भी डायमेंशन लेस है, एम जीरो एल जीरो टी सी, एम जीरो एल जीरो टी सी। नेक्स्ट क्वांटिटी है स्ट्रेस। स्ट्रेस के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स पर यूनिट एरिया है तो इसका यूनिट वही होगा जो प्रेशर का होगा। तो इसका यूनिट तो पास का है, यूनिट फॉर्मूला हो जाएगा एम वन एल माइनस वन टी माइनस, प्रेशर का यही डायमेंशन फॉर्मूला होता है स्ट्रेस का। M1 L minus 1 T minus 2, okay? Next देखिए, next physical quantity हमने discuss करी थी strain। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, यानी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। स्ट्रेन के तीन टाइप होते हैं। तो ये कैसी क्वांटिटी होती है, इसकी डायमेंशन होगी एम जीरो एल जीरो टी, ये भी डायमेंशन लेस फिजिकल वर्क, क्योंकि रेशियो में क्या आएगा लेंथ अपॉन लेंथ, एरिया अपॉन एरिया या वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। तो रेशियो में सेम फिजिकल क्वांटिटी आ रही है, सेम यूनिट आएगी, तो ये यूनिट लेस भी है और डायमेंशन लेस भी। स्ट्रेन जो है वो क्या है, यूनिट लेस भी है और डायमेंशन लेस भी, ठीक है, कोई भी यूनिट नहीं। अब मैं कुछ जो फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस कर रहा हूँ वो कुछ डिफरेंट है, थोड़ी सी नई है आपके लिए, अब तक आपने इसको कभी भी पहले नहीं पढ़ा है। नेक्स्ट आता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो है वो क्या बोला जाता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब देखिए स्ट्रेस का डायमेंशन वही है जो प्रेशर का है और स्ट्रेन डायमेंशन लेस है, तो यंग सॉरी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होगा उसका डायमेंशन फॉर्मूला वही होगा जो स्ट्रेस का है या फिर वही होगा जो प्रेशर का है, एम वन एल माइनस वन टी माइनस, दैट इज अ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट देखिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, ये है कैपिटल जी, कौन सा है कैपिटल जी। तो कैपिटल जी का फॉर्मूला देखिए, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर, तो जी का फॉर्मूला हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू। इसकी यूनिट क्या होगी देखिए, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। देखिए यूनिट कैसे आई, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, आर का यूनिट है मीटर, तो मीटर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू, ये दोनों मासेस है तो किलोग्राम स्क्वायर। तो देखिए इसका डायमेंशन फॉर्मूला कैसे डराइव होगा, देखिए देखिए न्यूटन का डायमेंशन फॉर्मूला है एम वन एल वन, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला देखिए एम वन एल वन टी माइनस टू इंटू एल टू डिवाइडेड बाय एम टू। तो देखिए ये न्यूमरेटर में एम वन है, डिनोमिनेटर में एम टू है, तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू। देखिए एल वन और एल टू टोटल हो गई एल थ्री और टी टू पावर माइनस टू, तो ये हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। इज इट क्लियर,
ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एच से, इसे रिप्रेजेंट करते हैं एच, और ई इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी, न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी, तो एच का एक्सप्रेशन हो गया तो इसका यूनिट क्या होता है जूल इंटू सेकेंड, क्योंकि एनर्जी का यूनिट तो जूल और फ्रीक्वेंसी का सेकेंड इनवर्स, तो सेकेंड इनवर्स जो ऊपर जाएगा तो सेकेंड बन जाएगा, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए कैसे डराइव हो रहा है, एम वन एल टू टी माइनस टू इंटू टी वन, क्योंकि ये एनर्जी का एक्सप्रेशन डायमेंशनल फॉर्मूला है एम वन एल टू टी माइनस टू और सेकेंड का टी वन, इसका डायमेंशन फॉर्मूला जाएगा एम वन एल टू टी माइनस टू, ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा प्लैंक कांस्टेंट, इसका हो जाएगा प्लैंक कांस्टेंट। Is it clear? Is there any doubt? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। Next physical quantity is angular displacement. Angular displacement को हम represent करते हैं थीटा से। थीटा वही है जो आपका प्लेन एंगल है, तो इसका यूनिट रेडियन और ये डायमेंशन लेस होती है एम जीरो एल जीरो टी। फिर आता है इसी से कनेक्टेड एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी होता है चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टू, तो इसका यूनिट क्या होता है रेडियन पर सेकेंड, क्या होता है रेडियन पर सेकेंड। डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन, क्या आ जाएगा टी माइनस वन, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका डायमेंशन लेस है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो एम जीरो एल जीरो टी माइनस, ये हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम टेबल, तो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, क्योंकि चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी आप मेजर करेंगे रेडियन पर सेकेंड में डिवाइड बाय सेकेंड, तो ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा एम जीरो एल जीरो टी माइनस टू, नेक्स्ट आता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये होता है ओमेगा। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि एंगुलर वेलोसिटी के लिए यस अभी वापस से ब्लर दिख रहा है, अब दिख रहा है सही, हाँ देखिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा टू पाई बाय टी या फिर टू पाई न्यू, देखिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन सेम है, ठीक है, इसका यूनिट भी वही होगा रेडियन
पर सेकेंड, और डायमेंशनल फॉर्मूला एल जीरो टी माइनस वन। ओमेगा इज इक्वल्स टू टू पाई बाई टी और टू पाई नी। फिर आता है एंगुलर मोमेंटम। जैसे लीनियर मोमेंटम हमने डिस्कस किया था, वैसे एंगुलर मोमेंटम हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम डिस्कस किया था। एल इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से, इसका फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल्स टू एम वी आर। एम है मास, वी है वेलोसिटी और आर है डिस्टेंस। तो इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट हो जाएगा के जी इंटू मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड, क्योंकि मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का यूनिट है, इंटू मीटर, तो मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड। इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा एम वन एल टू टी माइनस वन। ये एंगुलर मोमेंटम का आपका क्या आ जाएगा? डायमेंशन, ठीक है, 27। उसके बाद देखिए दो तीन और है। एंगुलर मोमेंटम के बाद टॉर्क, इसको टॉर्क बोलते हैं या फिर एक और टर्म इसका बोला जाता है मोमेंट ऑफ फोर्स। इसका सिंबल होता है टाइम इक्वल्स टू एफ इनटू डी, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो वर्क या एनर्जी का होता है, एम वन एल टू टी माइनस टू। नेक्स्ट आता है इम्पल्स। इम्पल्स को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, एंड दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम इनटू, या फिर हम बोल सकते हैं फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, ये बोला जाता है इम्पल्स। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला एम वन एल वन टी माइनस वन। नेक्स्ट आता है वेवलेंथ। वेवलेंथ को डिवीजन करते हैं लैम्डा से, ठीक है, एक तरीके से लेंथ है। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला एम जीरो एल वन टी जीरो। वेवलेंथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रस्ट ऑफ ट्रफ, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो इसका यूनिट क्या होता है? मीटर होता है इसका। क्या होता है? मीटर। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एम जीरो एल वन टी जीरो। ठीक है, नेक्स्ट आता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। रिप्रेजेंट करते हैं डीवी बाय डीएल, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ, तो वेलोसिटी को मेजर करते हैं मीटर पर सेकेंड में और लेंथ है ये मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकेंड इंच। इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नीटा से, इसे रिप्रेजेंट करते हैं नीटा, और इसका फॉर्मूला होता है एफ बाई ए इंटू डी वी बाई डी ए, फोर्स पर यूनिट एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है पास्कल, इसका डायमेंशन फॉर्मूला एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है, और वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायमेंशन फॉर्मूला है एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन। ये ऊपर चला जाएगा तो टी प्लस वन हो जाएगा, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला एम वन एल माइनस वन टी माइनस। ये आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, लास्ट है सरफेस एनर्जी। ठीक है, ये होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया, जूल पर मीटर स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला एम वन एल टू टी माइनस टू अपॉन एरिया एल टू, ये हो जाएगा
एम वन एल जीरो टी माइनस टू. So these are the 33 physical quantities. This dimensional formula we have to learn. Initial stage पर अभी हमें ये physical quantities हमें discuss करनी है या इनके dimensional formula याद रखने हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं indirectly dimensional analysis में इनका use होगा. Is it clear? Any doubt?